हिस्ट्री की क्लास में हम लेसन फर्स्ट बुक फर्स्ट से रिलेटेड का रेस्ट पार्ट स्टडी करेंगे अपने फोर्थ वीडियो में टॉपिक है हमारा एनिशियन ऑथोरिटी एनिशियन ऑथॉरिटी इट मीन्स एनेशियन टाइम में जो रूलिंग ऑथॉरिटी थी वो क्या थी तो सबसे फर्स्टली हमारा आ जाता है पैलेसेस एंड द किंग पैलेसेस एंड द किंग यानी कि महल और राजा ए लार्ज बिल्डिंग फाउंड एट द मोहन जुदारो वॉज लेबल्ड एज ए पैलेसेस बाय आर्क्योलॉजी आर्क्योलॉजिस्ट ने मोहन जोदाड़ो जो हड़प्पन जो सिविलाइजेशन का एक पार्ट थी वहाँ से एक बहुत बड़ी बिल्डिंग आइडेंटिफाई की है लेबल्ड इट मीन आइडेंटिफाई की है आर्कियोलॉजिस्ट ने उसे पैलेसिस कहा है एंड ए स्टोन स्टैचू वॉज लेबल्ड एंड द कंटिन्यूज टू बी नोन एज द पीस्ट किंग और बिल्डिंग में से एक स्टोन का स्टैचू मिला है और उसे किस नाम से लेबल किया है प्रीस्ट किंग के नाम से यानी कि किंग का जो प्रीस्ट था इतमी जो उसे सजेशन देता था और जो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटिव वर्क में उसको हेल्प करता था दिस इज बिकॉज आर्किोलॉजिस्ट वर फैमिलियर आर्किलॉजिस्ट ने जो मोहन जोदारो से जो स्टोन का स्टैचू मिला है उसे प्रीस्ट किंग इसलिए कहा है क्योंकि आर्किोलॉजिस्ट मैसोपोटामियन सिविलाइजेशन से पूरी तरह से फेमिलियर थे और उन्होंने मैसोपोटामियन सिविलाइजेशन और उसकी हिस्ट्री में भी प्रीस्ट किंग का स्टैचू देखा है और उसी के पैरेलल उन्होंने इन द सिविलाइजेशन में जो स्टैचू देखा है उसे प्रीस्ट किंग के नाम से आइडेंटिफाई किया है फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है सम आर्कियोलॉजिस्ट आर ऑफ ऑफ द ओपिनियन डेट हड़प्पन सोसाइटी हैड नो रूल्स कुछ आर्कियोलॉजिस्ट कुछ आर्कियोलॉजिस्ट तो ये कहते हैं कि हड़प्पन सोसाइटी में किंग का रूल था लेकिन कुछ आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि हड़प्पन सोसाइटी में किंग का कोई भी रूल नहीं था एंड डेट एवरीबडी इंजॉयड इक्वल स्टेटस सभी का इक्वल स्टेटस था यानी कि सभी के साथ इक्वल बिहेव किया जाता था अदर्स फील देर वॉज नो सिंगल रूल दूसरे ये फील कोई भी सिंगल रूल नहीं था बट सैरल डेट मोहन जोरालो हैड ए सेपरेट रूलर लेकिन कई कहते हैं कि भाई कोई भी सिंगल रूल नहीं था लेकिन कुछ जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि मोहन जोरालो जो सिटी थी उसमें अलग से सेपरेट रूल था रूलर था यानी कि किंग का स्टैब्लिश था एम्पायर द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन यानी कि इतनी बड़ी सिविलाइजेशन एकदम से किस तरीके से डिस्ट्रॉय हुई थी फिर सबसे फर्स्टली है देयर इज एविडेंस डेड बाई एटीन हंड्रेड बी सी मोस्ट ऑफ द मैच्योर हड़प्पन साइट्स इन रीजन सच एज चोलिस्तान हैड बीन एवेंडेड यानी कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के एविडेंस है यानी कि मैच्योर हड़प्पन साइट के कुछ एविडेंस कुछ रीजन्स में मिले हैं जैसे कि चोलिस्तान में मिले 1800 हंड्रेड बी सी में मिले हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है अब हम नेक्स्ट पॉइंट में ये स्टडी करेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन किस तरीके से डिस्ट्रॉय हुई थी कौन कौन से रीज़न है सबसे फर्स्टली क्लाइमेटिक चेंज फिर है हमारा डीफॉरेस्टेशन, फिर है एक्सेसिव फ्लड्स फिर है शिफ्टिंग एंड द ड्राइंग अप ऑफ द रिवर जो रिवर्स थी उनका फ्लो शिफ्ट हो गया था और ड्राई अप हो गई थी टू ओवर यूज़ ऑफ़ द लैंडस्केप यानी कि फील्ड्स को जरूरत से ज़्यादा यूज़ किया गया था उस पर एग्रीकल्चर की गई थी इसलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हो गई थी सम ऑफ दीज कॉजेज मे होल्ड टू सर्टन सेटलमेंट्स बट दे डू नॉट एक्सप्लेन द कोलैप्स ऑफ द एंटायर सिविलाइजेशन इट मीन्स कुछ सिविल पूरी तरह से ये अच्छे से एविडेंस नहीं मिले आर्कियोलॉजिस्ट ये प्रूव नहीं कर पाए हैं कि इन एविडेंस इन रीजन्स के थ्रू ही हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हुई थी लेकिन मेन कॉजेज यही हैं क्लाइमेटिक चेंज डिफॉरस्ट्रेशन एक्सेसिव फ्लोर एंड द शिफ्टिंग एंड द ड्राइंग अप ऑफ रिवर एंड द ओवर यूज द लैंडस्केप फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है सबसे फर्स्टली है डेडमैन लेन इज अ नैरो वैली एंड द वेरिंग फ्रॉम थ्री टू सिक्स फिट इन बिर्थ एट द पॉइंट वेयर द लर्नस वेस्ट फिर हमारा आ जाता है सबसे पहले जॉन मार्शल मोहन जोदाड़ो एंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक्सक्टेड किया था सबसे फर्स्टली है जॉन मार्शल ने एक्सक्टेड किया था 1931 में मोहन जोदाड़ो और इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक्सक्वेटेड किया था सबसे पहले जॉन मार्शल ने 1931 में फिर हमारा आ जाता है 1947 में आर ई एम व्हीलर देन डायरेक्टर जनरल ऑफ द ए यानी कि ए के डायरेक्टर जनरल आर ई एम व्हीलर ने ट्राई किया था क्या ट्राई किया था कि ऋग्वेद से कुछ एविडेंस को सर्च करने का ट्राई किया था फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिस्कवर किस किस ने किया था तो इसमें आपका आ जाता है कर्निंगम कन्फ्यूज़न कर्निंगम कर्निंगम कन्फ्यूज़न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को आइडेंटिफाई करते हुए कर्निंगम को क्या कन्फ्यूज़न हुआ था कर्निंगम ए का फर्स्ट डायरेक्टर जनरल था फिर है हमारा वेन कर्निंगम द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ़ द एस आई जो ए एस आई का फर्स्ट डायरेक्टर जनरल था बिगेन आर्क्योलॉजिकल एक्सक्विशन इन द मिड नाइनटीन सेंचुरी उसने आर्कियोलॉजिकल एक्सक्विशन किया था मिड नाइनटीन सेंचुरी में कर्निंगम मेन इंटरेस्ट वॉज इन द आर्योलॉजी ऑफ द अर्लियर हिस्टोरी कर्निंगम का मेन इंटरेस्ट किस में था कि सिक्सथ सेंचुरी बीसी से लेकर फोर्थ सेंचुरी सी के बीच में जो अर्लियर हिस्टोरिकल प्लेसेस थे उनको एक्सक्एटेड करना लेटर पीरियड और बाद वाले पीरियड को एक्सुएटेड करना ही यूर्स अकाउंट लेफ्ट बाय द चाइनीज बुद्धिल पिलग्रिम हु हैड विजिटेड द सब कॉन्टिनेंट बिटवीन फोर्थ एंड द सेवन सेंचुरी सी लोकेट अर्लियर सेटलमेंट इट मीन सबसे पहले हमें यह याद करना है कि फोर्थ एंड सेवन सेंचुरी बी में कौन चाइनीज़ पिलग्रिम आया था बुद्धिस चाइनीज़ पिलग्रिम आया था और फा हीन आया था बुद्धिस चाइनीज़ पिलग्रिम ने ये बताया था कि जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है उनमें कौन कौन से जो हड़ कौन कौन से सिविलाइजेशन डेवलप हुई है तो सबसे पहले फोर्थ और सेवन्थ सेंचुरी में चाइनीज पिलग्रिम आया था और चाइनीज पिलग्रिम ने जो भी अकाउंट लिखा इट में जो भी रिटर्न डॉक्यूमेंट्स लिखे हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड वो सारे रिटर्न डॉक्यूमेंट्स को यूज़ किया गया था कर्निंग हमने कर्निंगन ऑल्सो कलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स एंड ट्रांसलेट इंस्क्रिप्शन फाउंड ड्यूरिंग हिज सर्वे जो चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम था उसने जो सर्वे किया इंडिया का और सर्वे करने के बाद में जो हिस्टोरिकल प्लेसेस या फिर जो भी हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो भी साइट्स थी उनको एक्सकटेड करके जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाए थे उन सभी डॉक्यूमेंट्स को कर्णिंगम ने कलेक्ट किया और उन्हें ट्रांसलेटेड इंस्क्रिप्शन और इंस्क्रिप्शन को ट्रांसलेट किया जो उसके सर्वे के टाइम में प्रोवाइड थे वैन ही एक्सुएटेड साइट ही टेंडेड टू रिकवर आर्टिफेक्ट्स डेट द थाट दैट कल्चर वैल्यू और उसने जो भी इंस्क्रिप्शन को ट्रांसलेट किया जो भी जो बुद्धिस मोंग था जो भी बुद्धिस पिलग्रम था उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट किया उन सबसे उसने रिसर्च किया ए साइट लाइक हड़प्पा हड़प्पा जैसी ही साइट विच वॉज नॉट पार्ट ऑफ द लिटरेली ऑफ द चाइनीज पिलग्रम लेकिन जो हड़प्पा साइट थी जैसे हड़प्पा जैसी सिमिलर साइट थी वो चाइनीज़ पिलग्रम का पार्ट नहीं थी इट मीस चाइनीज जो बुद्धिस पिलग्रम था उसने अपने डॉक्यूमेंट्स में ऐसा कोई भी साइड का डिस्क्राइब नहीं किया एंड वॉज नॉट नोन एज एन अर्लियर हिस्टोरिक सिटी और जो चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम था वो अर्लियर हिस्टोरिक सिटी से भी फैमिलियर नहीं था तो कर्निंगम का यही कन्फ्यूज़न था कि कर्निंगम ने जो चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम के अकाउंट को यूज़ किया वो अकाउंट में कई चीज़ें लैकनेस थी जैसे कि चाइनीज़ पिलग्रिम को हिस्टोरिक सिटी के बारे में फेमिलियर नहीं था डिडन्ट फिट वेरी नियरली विद इन दिज फ्रेमवर्क ऑफ इन्वेस्टिगेशन तो चाइनीज पिलग्रीम का जो इन्वेस्टिगेशन था पूरी तरह से वो कर्निंगम के इन्वेस्टिगेशन में फिट नहीं हो पा रहा था सो ऑल दो हड़प्पन आर्टिफेक्ट्स आर फाउंडली फर ऑफन ड्यूरिंग द नाइनटीन सेंचुरी जो हड़प्पन आर्टिफेक्ट्स थे वो नाइनटीन सेंचुरी में फाउंड फाइंड आउट हुए सम ऑफ दीज रीज कर्निघ हम कुछ को कर्निघम ने आइडेंटिफाई किया हे डिडेंट रियलाइज हाउ ओल्ड दिज व कर्निंगम ने नाइनटीन सेंचुरी में जो आर्टिफैक्ट्स थे उनको आइडेंटिफाई तो किया लेकिन वो ये नहीं जान पाया कि ये कितने पुराने हैं ठीक है थीके? ये कितने पुराने हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड आर्टिफैक्ट्स ए हड़प्पन सील वॉज गिवन टू कर्निंगम बाय एन इंग्लिश मैन एक हड़प्पन सील थी जो कर्निंगम को किसने दी थी एक इंग्लिश ने इंग्लिश मैन ने दी थी ही नोटेड द ऑब्जेक्ट इट मीन्स कर्निंगम ने उस ऑब्जेक्ट को नोट किया आइडेंटिफाई किया बट्स अनसक्सेसफुली ट्राई टू प्लेस लेकिन वो प्लेस का नाम जानने में अनसक्सेसफुल रहा कि हड़प्पन सील कहाँ से मिली है इट विद इन द टाइम फ्रेम एंड विथ विच ही वॉज़ फैमिलियर ना तो वो टाइम्स का फैमिलियर था ना ही वो प्लेस का फैमिलियर था जो इंग्लिश मैन ने उसे हड़प्पन सील दी थी उस सील का ना तो उसे प्लेस पता था और नाइन्थ टाइम पता कर पाया था वो दिस वॉज बिकॉज क्योंकि ऐसा इसलिए वो ही लाइक मैनी अदर्स थाट दैट द इंडियन हिस्ट्री बिगेन विद द फर्स्ट सिटीज ऑफ़ द गंगा वैलीज एंड द गिवन हीज स्पेसिफिक फोकस कि कर्निंगम ने जो अपनी जो अपना रिसर्च किया उसमें केवल जो गंगा वैली के आसपास की जो सिटीज थी केवल उन पर ही फोकस किया इसलिए कई जो हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट थिंग्स थी वो उसके हाथ से उसके रिसर्च से छूट गई थी तो ये है कर्निंगम का कन्फ्यूज़न ये आपके फोर मार्क्स का आएगा फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है ए न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन तो सबसे फर्स्टली है सील्स वर डिस्कवर इसमें हम ये स्टडी करेंगे कि सबसे पहले कौन से सिविलाइजेशन को किसने एक्सक्वेटेड किया था ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वन वन मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं सील्स वर डिस्कवर्ड एट द हड़प्पा हड़प्पा से सील्स डिस्कवर्ड की गई बाय आर्कोलॉजिस्ट सच एज दयाराम साहनी दयाराम साहनी ने अर्लियर डिकेट्स में ट्वेंटी सेंचुरी में जो हड़प्पन सील को डिस्कवर किया गया था दयाराम साहनी ने फिर हमारा आ जाता है राखल दास बैनर्जी फॉन्ट सिमिलर सील एंड मोहन जोदारो मोहन जोदारो से सिमिलर सील कहाँ किसने एक्सक्यूजिट की थी राखलदास दास बैनर्जी ने हड़प्पा से तो किसने की थी हड़प्पा से दयाराम साहनी ने की थी मोहन जोदारो से राखलदास दास बैनर्जी ने की थी इन 1924 जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल ऑफ द ए एस में जो जॉन मार्शल थे डायरेक्टर जनरल थे ए के उन्होंने डिस्कवरी की और एक नई सिविलाइजेशन को आइडेंटिफाई किया और एक नई सिविलाइजेशन को आइडेंटिफाई करके इंडस वैली सिविलाइजेशन को जॉन मार्शल ने सबसे पूरे वर्ल्ड की सबसे ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन का रिवॉर्ड दिया फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है ही वॉज द फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट टू वर्क इन इंडिया जॉन मार्शल एक फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इंडिया में वर्क किया एंड ब्रॉड हीज एक्सपीरियंसेज ऑफ वर्किंग इन ग्रीस एंड द क्रीट टू द फील्ड और उन्होंने ये सारे एक्सपीरियंसेस कहाँ से गेन किए थे ग्रीस और क्रीट से गेन किए थे ये कंट्रीज़ के नेम में यानी कि जॉन मार्शल जो कि इंडिया में फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट के फॉर्म में वर्क किया था उन्होंने उन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस गेन किया था वो ग्रीस और क्रीट सिविलाइजेशन के थ्रू किया था यानी कि उन एरियाज़ को भी जॉन मार्शल ने एक्सुएटेड किया था और आइडेंटिफाई किया था मोर इम्पॉर्टेंटली लाइक कर्निंगम ही टू वॉज इंटरेस्टेड इन द स्पेक्टिकुलर फाइंड्स कर्निंगम ने कुछ प्रोमिनेट फाइंड्स कुछ प्रोमिनेंट ऑब्जेक्ट्स पर ही अपना ध्यान दिया इसी तरीके से ही वॉज इक्वली कीन टू लुक द पैटर्न ऑफ द एवरी डे लाइफ कर्निंगम केवल जो एवरी डे लाइफ था उस पर ही आइडेंटिफाई कर सका उस पर ही फोकस कर सका मार्शल टेंडेड टू एक्सक्रेटेड अलॉन्ग रेगुलर हॉरिजेंटल यूनिट्स एंड मेजर्ड यूनिफॉर्म थ्रू आउट द माउंट एंड इग्नोरिंग द स्ट्रेटिग्राफी ऑफ द साइट तो जो मार्शल था उन्होंने क्या किया था जो मॉन्ट्स थे जो भी मिट्टी के टीले थे सैंड मॉन्ट्स थे जो मॉन्ट्स का मतलब होता है मिट्टी के टीले उनको आइडेंटिफाई किया लेकिन उनको इस बेस पर आइडेंटिफाई नहीं किया यानी कि उनका टाइम डिसकव आइडेंटिफाई नहीं किया कि किस टाइम में कौन सा मॉन्ट मिला है दिस मीन डेट ऑल आर्टिफैक्ट्स रिकवर्ड फ्रॉम द सेम यूनिट आर ग्रुप टुगेदर एंड इवन दे आर फाउंड एट डिफरेंट स्टेटोग्राफी लेयर्स एज ए रिजल्ट वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉन्टेक्ट ऑफ दीज फाइंड द इंटर रिलेटिवली लॉस्ड तो स्टूडेंट्स हमने अपने फोर्थ वीडियो में फर्स्ट लेसन हिस्ट्री से रिलेटेड फर्स्ट लेसन का रेस्ट पार्ट स्टडी किया था हम अपने फिफ्थ वीडियो में लास्ट पार्ट स्टडी करेंगे हिस्ट्री से रिलेटेड